एमएसपी को नहीं पुणि तेजला राजनीति। धान क्विंटाल पिछा 2183 टंका देउछि केन्द्र। राज्य अवदान कौन बोली प्रश्न कले बीजेपी विधायक सूर्यवंशी सूरज। खोद मुख्यमंत्री 100 टंकार बोनस घोषणा कुआडे गला। एथर खरीफ पर 500 टंका बोनस देबे कि बोली प्रश्न को काहीकि एड़ाई गले सरकार। निज मुंडर दायित्व कसाई केन्द्र कोर्ट को फिंगिले बल। काहीकि चाषी को मिलूनी धार्य एमएसपी। किए साजुची बाधक, मिलर, दलाल ना सरकारी कल। जोर धरला धान दर वृद्धि राजनीति। एमएसपी उपरे बोनस देबे कही केमिति भूलीगले सरकार। चाषी उत्तर मागुवा बेले विरोधी प्रश्नर उत्तर भी बारे देउछंती कृषि मंत्री। 2016 बरगढ़ जिला सोहेला एक चाषी समावेश खोद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य उपरे चाषी को 100 टंका बोनस देबे बोली घोषणा करथिले। हेले घोषणा को 7 वर्ष बीती जाइतले सुधा चाषी को बोनस देइनाहंती राज्य सरकार। तेबे विधानसभा रे धामनगर बीजेपी विधायक सूर्यवंशी सूरज धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य रे राज्य सरकार का अवदान संपर्क रे प्रश्न करथिले। चलित खरीफ विक्रय ऋतु पई सरकार धान क्विंटाल पिछा 500 टंका देबे कि नाही से संपर्क रे प्रश्न करथिले सूरज। किंतु सूरज को प्रश्न को संपूर्ण एड़ाई देइछंती कृषि मंत्री। किंतु अन्यपटे धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2930 टंका करा जाउ बोली मंगलवार केन्द्र विरोध रे बड़पाटी रे नारा देइथिले बीजेडी विधायक। या चासिंग पाई शासक दल विधायकों को कुंभीर कांदणा बोली कहिछंती विरोधी। ठीक 6-7 वर्ष तले सोहेलार एक समावेश रे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करथिले धानर 100 टंका प्रत्येक क्विंटल पिछा एमएसपी बढ़ेबाकु। से कथा तो कले नाही। तो आज एक अणतारका प्रश्न माध्यम रे मु सरकार को प्रश्न करथिली धानर जो एमएसपी दिया जाउछि 2183 टंका सेथिरु राज्य सरकारंकर भाग केते एवं 500 टंका बोनस चलित खरीफ ऋतु रे धान क्रय बाबद रे राज्य सरकार चासी मान को प्रदान करिवे कि तमे आग घोषणा करतल 100 टंका दवा पे एमएसपी आग दे दलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आम चेष्टा करिया चासिंग हताश करनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हताश कर आपण भी हताश करी कूल हताश तेणु तुरंत जमी एमएसपी चासी पाइबे व्यवस्था करवाई आपण मान जरिया निवेदन कर भोट सब आगे भोट भोट देखिक समस्त व्यवस्था करती भोट सरगले भूली जाती कितु एथर भोट पूर्वर एमएसपी दवाप नवीन बाबू घोषणा कर दीदि चाषी बचत। 2014 धानर सहायक मूल्य था 1310 टंका। नजर पकातु गत 9 वर्ष मध्य बढ़ी एमएसपी ग्राफ पर 2021 बेलू एमएसपी 558 टंका वृद्धि पाई 1868 पहुंची पुणी वर्षे पर 72 टंका बढ़ी 1940 टंका होता। 2022 और 2023 केन्द्र सरकार आउ 100 टंका वृद्धि कर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2040 टंका कले। एथर जून्रे आउ 143 टंका बढ़ा पर धानर क्विंटाल पिछा मूल्य 2183 टंकारे पहुंची। किंतु ओडिशा रे मंडी अव्यवस्था धान किणारे मिलर को मनमानी व्यापक कटनी छटी एवं अभावी बिक्री जोगु चासी क्षति सहुछंती जेउंतपई ओडिशा चासी को मासिक आय मात्र 5112 टंका। ओडिशा सब राज्य भितर चासी को आय क्षेत्र रे तळ आडू 2 नंबर। देखो केंद्र सरकार बस्तार सुतली पैसा सब एमएसपी दउजन सुतली पैसा बस्तार ट्रांसपोर्टिंग लोडिंग अनलोडिंग सब पैसा दौन किंतु राज्य सरकार के गुटे चासी के भी से पैसा भी नहीं देवार एमएसपी भी भलसे पाई नबार। एमएसपी रेमती क्वेश्चन पड़ू जो मार्केट रे कटनी चटनी चाषी शिकार होता कि 4-5 के जी कटनी चटनी हेल्ले प्राय 150-200 टाँह तक एमएसपी रे बंची दे चाषी मैंने केन्द्र पैसा दौचे चाषी को एक्चुअली सठिक रेट दि जाऊ बोलिकी किंतु ओडिशा रे देवार लगी मैंने अवहलित होचन कहीं लगे बोले चाषी जितक करुचे सेतकी ना पाइबार। ओडिशा सरकार ये सब गफलतिर लगी ओडिशा रो चासी सब बेले गरी देखि रहछन। आजर डेट रे बरगढ़ जिले रे चासी आजर डेट रे भी मरुछन। एटी प्रश्न उठुची मुख्यमंत्री को घोषणा सत्वे काहे कि चासी को एमएसपी उपरे बोनस मिलुनी। काहे कि चासी को मिलुनी धार्य एमएसपी। किए साजुची बाधक, मिलर, दलाल ना सरकारी कल। काहे कि प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष चासी मंडी रे धान बिक्री न करि पारि कम दर रे दलाल को बिकिबा को बाध्य होउछंती। शासक दल केवल केन्द्र कोर्ट को बल फिंगिले कौन चाषी आय बढ़ी पार।
भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिक और सनातन बेहरा प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।